नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल सामाजिक सांस्कृतिक संस्था एसोसिएशन ऑफ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक निधन वर्ग मध्य प्रदेश द्वारा शनिवार शाम को राजधानी भोपाल से सटे जगदीशपुर गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां देश की आज़ादी में सहयोगी शहीद वीरांगना गाथाओं पर आधारित विषय पर मंचन किया गया। कार्यक्रम में बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विष्णु खत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। एसोसिएशन के संचालक देवेंद्र यादव ने बताया कि उनके एसोसिएशन द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे समाज के अंदर महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी अपने घरों से निकलकर समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। स्वागत करते हैं। देवेंद्र यादव, मेरी संस्था एसोसिएशन ऑफ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक निर्धन वर्ग मध्य प्रदेश के नाम से 1998 से कार्य कर रही है। ये जो संस्था है 22 साल से जो कार्य कर रही है महिलाओं का उत्पीड़न को दूर करने के लिए, महिलाओं का उत्थान करने के लिए, महिलाओं के लिए आगे प्रोग्रेस के लिए है, और ना कि महिलाओं के लिए। बल्कि आपने देखा होगा कि जो संस्था का नाम है वो नाम ही इसके अंदर सारा कुछ समावेश है। जैसे कि एसोसिएशन ऑफ अनुसूचित जाति, जो लोग अपने आप से कमज़ोर हैं उन लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की गई है, उसके लिए हमने कई कार्य किए हैं और आज भी हम उस पर तत्पर हैं। हमारी संस्था भोपाल की है, लेकिन आज भी भोपाल से लगे हुए गांव के हम देखते हैं कि अभी भी वैसी दशा नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वहां पर भी आके, जैसे आज हमारा जो कार्यक्रम था वीरांगनाओं के ऊपर था, ताकि यहां की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होके हमारे इतिहास को भूले नहीं, ऐसा ना लगे उनको कि हमारे इतिहास की ये चीज़ें नहीं हैं। ये इतिहास में हमारे है कि भाई जो महिलाएं रसोई से निकल के युद्ध के मैदान में तक के गई हैं, तो हम कैसे अपने किचन में रहके उसको अपना एक रसोई घर में ही अपनी ज़िंदगी को पूरा ख़त्म करें, आगे आएं और पुरुषों से भी आगे बढ़ के काम करें। अभी आप देख रहे हैं यहाँ लक्ष्मी बाई, अहिल्या बाई, और इन पर जो है जो नाट्य मंचन हुआ है, ये निश्चित रूप से आने वाली जो पीढ़ियाँ यहाँ पर जो हमारी बहनें बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, उनको कहीं ना कहीं संस्कार देने वाला है। क्योंकि भारत ये हमेशा से स्त्रियों को के लिए विशेष इसमें सम्मान की संस्कृति रही है। कहा जाता है कि जहाँ पे स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और इसलिए ये इस प्रकार के आयोजन की वास्तव में आवश्यकता है समाज में। और मैं संस्था को विधायक इस नाते से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बड़ा सुंदर आयोजन यहाँ पर जगदीशपुर में आज आयोजित किया है। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।